गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर, फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 11 का काइनेमेटिक चैप्टर शुरू किया था, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, लेक्चर नंबर जो 1 से लेकर 12 है, उसमें हमने पूरे टॉपिक कवर किए हैं काइनेमेटिक्स के, जिसमें हमने मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और वेक्टर, ये तीनों भी चीज़ें उसमें पढ़ाई है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, हम MCQs लास्ट में करने वाले हैं। तो आज मैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों का मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। अभी अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, तो फिर मैं ज़्यादातर MCQs आपको बता नहीं पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, नोटबुक पेन लेकर बैठना है, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? बाकी सॉल्यूशन वगैरह मैं पूरा बोर्ड के ऊपर बताने वाला हूँ, तो आई होप मुझे आप इतना सपोर्ट करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, मैं आराम से पढ़ता हूँ, आपको आराम से सुनकर उसको प्रॉपर लिखना है। पोजिशन ऑफ एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी एज एक्स इक्वल टू। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको पोजिशन दी है, क्या दी है, पोजिशन दी है 6 + 12t - 2t². आपको ये पोजीशन दी है और एक्स आपका मीटर में दिया है, टी आपका सेकंड में दिया है, और आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बोल रहे हैं फर्स्ट 5 सेकंड में। अभी देखो, आपको पोजीशन दी है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बोल रहे हैं फर्स्ट 5 सेकंड में। कैसा करना है, देखो टी इज इक्वल टू लेना है फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ से हम एक्स को लिखेंगे x1। तो इसको सॉल्व करना है 6 + 12 × टी की वैल्यू कितनी है 1 - 2 × 1² तो यहाँ से x1 आता है आपका 6 + 12, 1² 1, 2 × 1 2, तो आपका 6 + 12 = 18, 18 में से 2 गया 16, तो आपका x1 कितना आया 16 मीटर। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है x2। तो अब हर बार क्या करना है, t की वैल्यू प्लेस करनी है 6 + 12, t की वैल्यू कितनी है 2 - 2 × 2² तो ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 और ये 6 आपका 30 हो जाएगा, और ये 2² 4, 4² 2 = 8, मतलब आपका आ जाएगा x2 = 22 मीटर। तो फिर नेक्स्ट t = 3 सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है x3, तो फिर से 6 + 12 × t की वैल्यू 3 आपकी -2 × 3 का क्या आ जाएगा स्क्वेयर, तो x3 आपका आ जाएगा 12 × 3 = 36 और 6 आपका हो गया 42, और ये 3 का वर्ग 9, 9 × 2 कितना होगा आपका 18, तो आपका x3 आ गया 40 में से 18 गए 22 और वो 2 हो गए आपके 24, तो x3 आया आपका 24 मीटर। फिर t इज इक्वल टू आपको लेना है 4 सेकेंड, फिर आपका x4 यहाँ से कैलकुलेट करना है 6 + 12, t की वैल्यू आपकी 4 आ जाएंगी -2 × 4² तो ये 12 × 4 = 48 और 6 आपके कितने होते हैं 54, और ये 4 का वर्ग 16, 16 × 2 कितने होते हैं 32, तो 50 में से 32 गए तो 18 और ये 4 मतलब हो गया आपका 22। एंड देन लास्ट इज t इज इक्वल टू आपको 5 सेकेंड पुट करना है, मतलब x5 आपको मिलेगा 6 + 12, टी की वैल्यू 5 - 2 × 5² मतलब ये 12 × 5 = 60 और 6 हो गया आपका 66, ये 5² 25, 25 × 2 = 50 आपका हो गया, मतलब आपका हो गया 16 मीटर। तो अब ये सभी डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ले हैं। अभी हमको क्या करना है, देखो आपको डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड, तो आपको फिर कैसा कैलकुलेट करना है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे d1, तो d1 कैसा कैलकुलेट होगा, देखो x1 में से आपको x0 को क्या करना है, माइनस करना है, x1 में से x0 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। अभी कैसा माइनस करेंगे, देखो x1 में से x0 को माइनस करना है, तो x0 आपको पता होना चाहिए कितना है। अभी x0 यानी कितना, तो x0 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में आपका x = x0 आएगा, तो t की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है, मतलब x0 आपका 6 मीटर आ जाएगा। तो d1 आपका आ जाएगा x1 - x0, तो x1 कितना आया चेक करो, यहाँ पे 16 माइनस x0 आपका आया 6, तो d1 आपका आया है 10 मीटर। अब आपको d2 कैलकुलेट करना है, तो d2 आ जाएगा x2 - x1, तो फिर x1 कितना है, x2 कितना है आपका 22, और ये कितना है 16, मतलब 22 - 16 ये आपका आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब बताओ फिर d3 कैसा करेंगे, x3 - x2, तो फिर x3 कितना है हमारा बताओ, अभी x3 कितना है आपका 24 और x2 कितना है 22, ओके, तो d3 आपका आ जाएगा 2 मीटर, राइट। अब सिमिलरली d4 बताइए आप,
कैसा आएगा, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, तो एक्स फोर कितना है चेक करो आपका 22, ओके 22, और एक्स थ्री कितना है आपका 24, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 2 मीटर, राइट। और डी फाइव आपका आ जाएगा एक्स फाइव माइनस एक्स फोर, तो एक्स फाइव कितना है आपका 16, 16 माइनस 22, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 6 मीटर। तो अभी आपको डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सबके क्या करना पड़ेंगे आपको, एडिशन करना पड़ेंगे, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर बराबर आए हैं क्या। तो डी वन आपका आया है 10, राइट, डी टू आपका आया है 6, डी थ्री आपका आया है 2, डी फोर, डी थ्री टू आया है, डी फोर कितना आया आपका 2 मैग्नीट्यूड लिया है, और डी फाइव आपका आया है 6, ये भी मैग्नीट्यूड लिया है। तो सबके एडिशन करेंगे तो बताओ डी वन कितना है 10, डी टू कितना है 6, डी थ्री कितना है 2, डी फोर कितना है 2, और ये कितना है 6। सबका मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18, 18 और 2 20, और ये हो गया आपका 26 मीटर। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्टिकल ने, 26 मीटर। तो आपको ऐसा पोजीशन देंगे और डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकेंड पूछेंगे, कुछ भी पूछने दो। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आसान जाने वाला है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखने वाले हैं क्या दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया क्या दिया है, देखो, अ कार ट्रैवल हाफ डिस्टेंस विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा दिया है और एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं आपको। तो क्या दिया है देखो, एक जर्नी हम कंसिडर करते हैं, ओके, ये ए से लेके बी तक की जर्नी हम कंसिडर करते हैं। कार ने पहला हाफ डिस्टेंस जो कवर किया है वो कितने के स्पीड से कवर किया है, 40 किलोमीटर पर आवर, और रिमेनिंग 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसा यहाँ पे कार ने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है तो इसको मैं डी बाई टू बोलूंगा, और ये नेक्स्ट है तो इसको मैं भी डी बाई टू बोलूंगा। ए से लेके बी तक का आपका जो डिस्टेंस है बच्चों, वो आपका टोटल डिस्टेंस है डी। अब कार क्या कर रही है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और आपको क्या बोला है, एवरेज स्पीड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी मुझे बताओ आप, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। अब टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक डी, अब टोटल टाइम आपको लेना है। सपोज ये फर्स्ट हाफ जर्नी को टाइम लगा टी वन, सेकेंड हाफ जर्नी को टाइम लगा टी टू, तो टाइम आ जाएगा आपका टी वन प्लस टी टू, तो फिर डी। अभी टी वन की वैल्यू हमें रखना है, अभी मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो फिर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है डी बाई टू, और स्पीड कितना है 40, फिर से डिस्टेंस कितना है डी बाई टू, और स्पीड कितनी आपकी 60, ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसा होगा देखो, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, ओके, तो डी इसको मैं लिख सकता हूँ डी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 80, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 120, तो यहाँ से हम डी को कॉमन निकालेंगे, तो ऊपर का डी यहाँ का डी अगर कॉमन निकालेंगे तो 1/80 प्लस 1/20, तो ये डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैसा करेंगे, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 120 × 1 120 80 × 1 80, अब नीचे का मल्टीप्लिकेशन 12/96 हो गया यहाँ पे, और ये 20 आ गए, तो ये नंबर ऊपर चला गया, ये कितना हो गया हमारा 200, ये 2 2 0 क्या हो गए, कैंसिल, तो फिर 2 4 8 16, मतलब हमारे एवरेज स्पीड कितनी आई बताओ मुझे, 48 किलोमीटर पर आवर। तो कार ने हाफ डिस्टेंस 40 के स्पीड से कवर किया था और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस 60 के स्पीड से कवर किया था, तो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोल रहे थे, तो इस तरह से हमारे एवरेज स्पीड कितनी आई बताओ फिर, 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है सबको, इंटरेस्टिंग है, ध्यान देते जाओ, और जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको लिखो, और इसमें भी आपको क्वेश्चन में समझा ही रहा हो क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में कैसे लिखना है अभी आप देखो, ठीक है। तो अभी आपने लिख लिया होगा, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना है, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, राइट, ओके। तो आई होप सबको मजा आ रही है, लेकिन मजा किसको आने वाली है, जिसको कंसेप्ट पता है। अब कंसेप्ट आप किधर से भी पता करके आ जाओ, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, या फिर आपको मेरे टीचिंग अगर समझ में आ रहे हैं
तो हमारे 1 से लेके 12 तक जितने भी लेक्चर हमने किए हैं वो अच्छे से एक बार आपको देखना है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट? ओके, पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। तो अ पार्टिकल लोकेटेड एक्स इक्वल टू जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी दैट वेरीज एज वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो अभी थेरी से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। वी की वैल्यू कितनी दी है आपको? वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और आपको क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो देखो कैसा करेंगे। वी इज इक्वल टू दिया है आपको अल्फा रूट एक्स और आपको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो देखो अभी कैसा करेंगे। ओके, तो वी दिया है ना, हाँ वी दिया है अल्फा रूट एक्स और आपको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसा करेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखिए v इज इक्वल टू दिया है अल्फा रूट एक्स, सबको पता है वेलोसिटी यानी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा रूट एक्स, यहाँ तक किसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे dx, ये रूट एक्स को हम नीचे लाएंगे और ये dt को हम ऊपर भेजेंगे, राइट? अब मुझे बताओ ये रूट एक्स मतलब क्या होता है आपका? एक्स रेस टू 1/2 होता है। इधर आया आपका अल्फा dt, अब एक्स रेस टू 1/2 ऊपर जाके हो गया एक्स रेस टू -1/2, यहाँ पे आ गया आपका dx, यहाँ पे आपका अल्फा dt। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर आप x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो उसके साथ dx होना चाहिए, इसलिए हमने इसे ऐसे चेंज किया है। अब देखो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n+1 अपॉन n+1। ओके, इधर अल्फा कॉन्स्टेंट है आपका, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, और ये इनडेफाइनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका c, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक्स रेस टू -1/2 + 1 मतलब एक्स रेस टू 1/2 और नीचे भी 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x^(1/2) इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस सी। अब आपको दिया है टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे आपको कंडीशन दी है। पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 में एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 0 है, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो सी की वैल्यू अगर 0 आ जाएंगी तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा 2x^(1/2) इज इक्वल टू अल्फा टी। अब सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई, राइट? तो यहां से अब हमें क्या करना है, एक्स और टी का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। एक्स और टी का रिलेशन कैसा आएगा देखो, अभी हम इसको लिखेंगे एक्स रेस टू 1/2 इज इक्वल टू अल्फा टी डिवाइड बाई टू। एक्स रेस टू 1/2 को अगर मैं रूट में लिखता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अल्फा टी डिवाइड बाई टू। अब दोनों साइड में अगर स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 और यहाँ पे टी का स्क्वेयर टी स्क्वेयर। अब अगर इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हैं तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा टी स्क्वेयर। तो आपको यही बोल रहे थे, वी इज इक्वल टू अगर अल्फा रूट एक्स है तो एक्स और टी का क्या रिलेशन है, ये आपको बोल रहे थे। तो उन्होंने आंसर वही रखा है, क्या रिलेशन आया है फिर हमारा, एक्स इज इक्वल टू रिलेशन आया है आपका, एक्स इज इक्वल टू आपका रिलेशन आया है टी का स्क्वेयर। तो यही आंसर उन्होंने रखा है, आपको वी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया था और इस तरह से हमने उसको सॉल्व किया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे तो थोड़ा सा मैथ आपको आना चाहिए, अगर जब तक आपको मैथमेटिक्स आएगा नहीं तो फिर मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अभी है 4, पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन क्या दिया है। तो अ बॉय वॉक टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आर एंड वॉक बैक विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 4 किलोमीटर पर आर। तो देखो अभी क्या दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। देखो एक बॉय है, उस या अब हम कंसिडर करेंगे ए से लेके बी, तो ए से लेके बी तक यहाँ पे उन्होंने टोटल डिस्टेंस दिया है, ओके कितना दिया है फिर वो 6 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर। ए से लेके बी टोटल कितनी जर्नी है यहाँ पे, 6 किलोमीटर। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आर। तो जब वो ऐसे गया तो कितने की स्पीड से गया, 2.5 किलोमीटर पर आर, और जब रिटर्न आया वो तब कितने की स्पीड से आया वो बताओ मुझे आप, वो आया फिर 4 किलोमीटर पर आर। तो ये तो बात सही है, जब वो ए से लेके बी गया तो घर से स्कूल गया, स्कूल जाते समय हम
दम से जाते हैं, लेकिन जब स्कूल छूट जाती है तो हमें खुशी होती है, तो फिर हम ज़्यादा स्पीड से वापस आते हैं। ऐसा यहाँ पे उन्होंने दिया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो, हिज एवरेज स्पीड फॉर अ राउंड ट्रिप। अब राउंड ट्रिप मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ गया और फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ से लेके यहाँ फिर से आ गया वो। राउंड ट्रिप किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आपका सेम रहा तो उसको हम राउंड ट्रिप बोलते हैं। तो देखो आप यहाँ पे कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, T1 पहला T1 कैलकुलेट करेंगे, ए से लेके बी के जर्नी के लिए हम T1 कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऐसा गया वो, 6 उसका डिस्टेंस था और स्पीड कितनी थी 2.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पॉइंट शिफ्ट करता हूँ तो 60/25। तो यहाँ पे मैं इसको अगर 5 से अगर डिवाइड करता हूँ मैं इसको, तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5×1 5 हो जाएगा, और ये 12 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कितना टाइम आया हमारा, यहाँ पे टाइम हमारा आर में रहेगा, तो T1 आ गया हमारा 12/5। अब T2 कितना आ जाएगा, आते समय भी उतना ही डिस्टेंस चला लेकिन स्पीड कितनी थी, 6 थी। तो अभी इस केस में हमारा टाइम आ जाएगा 1 आवर। तो जो टोटल टाइम आएगा आपका वो कितना आएगा बताओ फिर, अभी टोटल टाइम आपका आएगा उसको हम T बोलेंगे, तो वो लेंगे हम T1 + T2। तो T1 कितना आया हमारा बताओ, T1 हमारा आया है 12/5 और T2 आपका कितना आया, 1, राइट, 1 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो 4 दिया है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 3/2 आ जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया आपका 3/2। तो करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 24 यहाँ पे 15 यहाँ पे 10, मतलब टाइम आ गया आपका 39/10 आवर। तो टोटल टाइम कितना आ गया आपका 39/10 आवर। तो अब आपको क्या बोल रहा था वो, एवरेज स्पीड फाइंड करो। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे, ए से लेके बी कितना चले आप, 6 किलोमीटर, और बी से लेके ए भी कितने चला, 6 किलोमीटर, मतलब 6 + 6। और टोटल टाइम कितना है, 39/10, तो ये हो जाएगा 6 + 6 कितना, 12, ये 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना रहेगा, 39, मतलब 120/39। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तो इन्होंने क्या किया है, बस डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है, ओके, और ऐसा ही आंसर रखा है उन्होंने, ओके, 3 से डिवाइड किया है और ऐसा ही आंसर रखा है। तो कितना है आपकी एवरेज स्पीड, कितना है बताओ फिर, 40/13 किलोमीटर पर आर, यही आंसर उन्होंने रखा है, 40/13, समझ रहे आप, ओके। अगर कुछ बच्चों को ये पूछना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मैं कौन से बुक में से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास अगर MTG की अगर बुक है तो मैं MTG के क्वेश्चन आपके ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन लिखने को दिक्कत आ रही है तो MTG का अगर आपके पास बुक है तो वो आप सामने रख के ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ट्रेवल 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी V1, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर विथ वेलोसिटी V2 फॉर द हाफ टाइम एंड विथ वेलोसिटी V3 फॉर द अदर हाफ टाइम, द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम मोशन इज। तो अब देखो कैसा दिया है, बॉडी ए से लेके बी जा रही है हम बोलेंगे, अब बॉडी क्या कर रही है, देखो ए से लेके बी ये पूरा गई, तो 1/3 जो टोटल डिस्टेंस है, अभी टोटल डिस्टेंस को हम अगर बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बोलेंगे हम डी, तो इसका 1/3 मतलब कितना आ जाएगा, D/3, 1/3 मतलब कितना आ जाएगा आपका, D/3, ठीक है। तो वो 1/3 डिस्टेंस जो है वो कितने के स्पीड से कवर किया, V1 के स्पीड से, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या थी, V1 थी। अब जो रिमेनिंग जर्नी है इसमें उन्होंने ये दो डिस्टेंस यहाँ पे कवर किए, तो कैसा कवर किए बोल रहे हैं वो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर विद वेलोसिटी V2 फॉर हाफ टाइम एंड वेलोसिटी V3 फॉर अदर हाफ टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है ये V2 और V3 के वेलोसिटी से कवर किए, ये एक टाइम में कवर किए और ये एक टाइम में कवर किए। अब ये दोनों टाइम कैसे दिए हैं, सेम दिए हैं, हाफ हाफ टाइम बोल रहे हैं वहाँ पे वो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैसा बोलेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है उसको मैं T1 बोलता हूँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी को T2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी को भी T2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की स्पीड V2 है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड V3 है, लेकिन इक्वल टाइम में वो डिस्टेंस जो भी रहा होगा वो क्या किया है, कवर किया है इक्वल टाइम में, इसलिए मैंने दोनों को क्या बोला, T2 T2। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले T1 की वैल्यू क्या आएंगी, तो टाइम, टाइम मतलब क्या रहता है बताओ मुझे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो
तो फिर डिस्टेंस कितना है डी बाई थ्री, और स्पीड क्या है आपकी वी वन, तो टी वन आ गया आपका कितना आ गया बताओ फिर, इसको मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन थ्री वी वन। देखो टी वन कितना आया आपका डी, ये थ्री इसको मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये आ गया आपका डी वन। ओके अब देखो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है आपका, अगर इतना डिस्टेंस अगर आपका डी बाई थ्री है तो इतना रिमेनिंग डिस्टेंस आपका कितना रहेगा बताओ मुझे आप, टू डी बाई थ्री बरोबर है कि नहीं, ये टोटल डिस्टेंस कितना है डी, तो इतना अगर डी बाई थ्री है तो इतना बचे हुआ कितना है टू डी बाई थ्री, कैसे आया दो बार है एक बार ले लो, एक डी और दो डी तीन डी, तीन तीन कैंसिल कितना बचा डी, तो आया समझ में सबको आपको। तो इतना डिस्टेंस अगर डी बाई थ्री है तो ये रिमेनिंग जो जर्नी है वो जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है टू डी बाई थ्री है, कितना है वो टू डी बाई थ्री। तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस है ये क्या है आपका डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस यानी क्या होता है स्पीड इन टू टाइम, तो फिर यहाँ पे स्पीड कितनी बताओ मुझे वी टू, और टाइम कौन है आपका टी टू, यहाँ पर कितना है स्पीड वी थ्री और टाइम कौन है टी टू, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम आया। तो इस तरह से मुझे बताओ आप टू डी बाई थ्री टी टू अगर कॉमन निकाला तो वी टू प्लस वी थ्री राइट, तो यहाँ से टी टू क्या आएगा बताओ मुझे आप, टी टू आएगा ऊपर है टू डी ये नीचे चला जाएगा मतलब थ्री ब्रैकेट में वी टू प्लस वी थ्री, तो टी टू आपका आ गया टू डी अपॉन थ्री इन ब्रैकेट वी टू प्लस वी थ्री। अब बताओ मुझे एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो इधर का आपने लिखा है ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ, नहीं लिखा है तो जल्दी लिख लो क्योंकि आगे मैं आप इधर सॉल्व करने वाला हूँ, समझ में आ रहा है सबको। देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको सिर्फ अच्छे से ध्यान देना है। हाँ इतना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं हम तो देखेंगे हम एक से एक लेक्चर में कितने एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन कितने भी हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बहुत सारे लेक्चर बना सकते हैं, हमको लेक्चर के नंबर से कुछ लेना देना नहीं, हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नंबर मिलना चाहिए। तो फिर एवरेज वेलोसिटी ओके, एवरेज वेलोसिटी अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको वही बोला था ना कैलकुलेट करने को, आपको क्या बोला था द मीन एवरेज वेलोसिटी, मीन एवरेज वेलोसिटी बोला है मतलब एवरेज वेलोसिटी। अब टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे कितना है, आप टोटल डिस्टेंस वो तो डी है, अब टोटल टाइम यानी क्या है, एक टी वन है और एक कौन है टी टू, तो डी टी वन आपका आ चुका है डी बाई थ्री वी वन, और टी टू कितना आया बताओ टू डी अपॉन थ्री इन ब्रैकेट वी टू प्लस वी थ्री। अब इसको ही आपको सॉल्व करना है ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो करेंगे फिर डी यहाँ से डी कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा वन अपॉन थ्री वी वन प्लस टू अपॉन थ्री ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं थ्री इंटू वी टू थ्री वी टू, और उनने सॉल्व किया है क्या, चलो बाहर ही रखा है तो बाहर ही रखते हैं थ्री वी टू प्लस वी थ्री। अभी ध्यान देना है ये डी डी कैंसिल हो गया तो ऊपर वन बचा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये पूरा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा थ्री वी टू प्लस वी थ्री प्लस टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स वी वन, और ये नीचे थ्री इंटू थ्री आ जाएगा आपका नाइन, ये आपका वी वन बार और ब्रैकेट के अंदर वी टू प्लस वी थ्री, ये पूरी टर्म ऊपर चले जाएंगी नाइन वी वन ब्रैकेट में वी टू प्लस वी थ्री, और आपका नीचे आ जाएगा थ्री वी टू प्लस वी थ्री प्लस सिक्स वी वन। अब उन्होंने आंसर क्या रखे है हम देखते हैं, उस हिसाब से हम आंसर रखेंगे। तो उन्होंने जो आंसर रखा है थ्री वी वन इन ब्रैकेट वी टू प्लस वी थ्री, इसको थ्री वी वन रखा है क्योंकि थ्री इंटू थ्री लिखे ये आ जाएगा, और नीचे रखा है वी टू प्लस वी थ्री अपॉन फोर वी वन, तो इसको सॉल्व किया है। चलिए आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको नाइन को थ्री इंटू थ्री लिखा है इसमें तो कोई टेंशन नहीं, नाइन को लिखा है थ्री इंटू थ्री क्योंकि नीचे थ्री है राइट। अब क्या बचा वी टू प्लस वी थ्री, वी टू प्लस वी थ्री प्लस सिक्स वी वन, तो यहाँ से देखिए इसको क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं थ्री इंटू वी टू थ्री वी टू, यहाँ पे थ्री वी थ्री यहाँ पे सिक्स वी वन ओके। अब उन्होंने आंसर रखा है थ्री वी वन ब्रैकेट में वी टू प्लस वी थ्री फोर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री,
फोर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री कैसा आएगा बताओ मुझे आप। तो कहाँ गड़बड़ हो गई हमारी, टोटल डिस्टेंस ऐसा आया टी वन प्लस टू टी टू, एक गड़बड़ हो गई हमारी इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है। देखो टी वन प्लस टी टू हमें लेना था, लेकिन मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस अगर डी है तो टोटल टाइम ये है और ये दोनों मिला के है, मैंने इतना ही लिया है, तो टी टू प्लस टी टू यहाँ पे टू टी टू आ जाएगा। तो यहाँ पे टू आने की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे देखो, ऊपर डी, ये डी कॉमन निकाला थ्री वन, यहाँ पे टू टू है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका फोर आ जाएगा। ओके डी डी कैंसिल हो गया आपका, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा ये पूरा टर्म ऊपर आ गया, ये यहाँ पे फिर आपका ट्वेल्व आ जाएगा। ओके ट्वेल्व आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा ये टर्म आपका ऊपर आया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका थ्री वी टू, यहाँ पे आपका ट्वेल्व आ जाएगा वी वन, राइट। ओके तो अब हमें आंसर कैसा चाहिए था, थ्री वी वन वी टू प्लस वी थ्री, थ्री वी वन वी टू प्लस वी थ्री चाहिए ऊपर, थ्री वी वन वी टू प्लस वी थ्री। ओके तो वी टू प्लस वी थ्री तो आ गया उसका कंडीशन ये थ्री है, और नीचे हमको चाहिए फोर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, फोर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो देखते हैं कैसा आया है, यहाँ तक तो हमने बराबर किया है, ये इन्होंने ऐसा किया फिर कैसा किया, चलो तो फिर मैं इसको आराम से सॉल्व करता हूँ फिर से, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, सॉल्व ही हो गया हमारा ऑलमोस्ट, सिर्फ कैलकुलेशन बचे हैं, ठीक है ना, अभी हमने अलग किया है उन्होंने अलग किया है, ठीक है अब देखते हैं कैसा आता है। ओके तो ये डी डी क्या हो गया आपका कैंसिल, तो ऊपर वन बचा नीचे बचा वन अपॉन थ्री वी वन प्लस फोर अपॉन थ्री वी टू प्लस वी थ्री, ये तो इधर आ जाएगा। ओके अब देखो अब बराबर आ जाएगा हमारा वन अपॉन, ये ब्रैकेट से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वी टू प्लस वी थ्री, ये फोर इंटू थ्री वी वन आपका आ जाएगा ट्वेल्व वी वन। अब ये नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन देखो कैसा आएगा, थ्री इंटू थ्री आपका आ जाएगा नाइन, फिर आपका आ जाएगा नाइन वी वन और ब्रैकेट में आ जाएगा वी टू प्लस वी थ्री, तो यहाँ से ये टर्म ऊपर गई तो आ गया आपका नाइन वी वन ब्रैकेट में वी टू प्लस वी थ्री। ओके ये तो ऊपर रखा उन्होंने, नीचे क्या आया थ्री वी टू प्लस वी थ्री प्लस ट्वेल्व वी वन, तो उन्होंने ऐसा ही रखा है, बस उन्होंने वी टू प्लस वी थ्री प्लस फोर वी वन किया है, तो वी टू प्लस वी थ्री प्लस फोर वी वन, टू प्लस वी थ्री प्लस फोर वी वन, ठीक है। तो आ गया आंसर, कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने क्या किया देखो एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ये नाइन वी वन ब्रैकेट में वी टू प्लस वी थ्री। ओके अब यहाँ से उन्होंने क्या किया देखो, ये थ्री से इसको मल्टीप्लाई किया, थ्री इंटू वी टू थ्री वी टू, थ्री इंटू वी थ्री थ्री वी थ्री, यहाँ पे ट्वेल्व वी वन। अब उन्होंने क्या किया देखो, इसको थ्री से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा थ्री वी वन ब्रैकेट में वी टू प्लस वी थ्री, अब ये सबको थ्री से डिवाइड करना है आपको, तो कैसा आ जाएगा वी टू प्लस वी थ्री प्लस फोर वी वन। तो यही है इसका फाइनल आंसर, थोड़ा समय लग गया सॉल्व करने के लिए लेकिन कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स अभी जल्दी जल्दी करेंगे, यस इज इक्वल टू दिया आपको एट टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी माइनस फाइव, ऐसे आपको एक इक्वेशन दी है और आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी, तभी बहुत ही आसान है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, तो डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा 16t, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 0। अब ds बाई dt अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होता है वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कब होता है t इज इक्वल टू 0 टाइम में, तो u इज इक्वल टू 16 इंटू टाइम कितना 0 प्लस 3, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आना चाहिए, मतलब आपको सॉल्व समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो थ्री आंसर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है अभी सेवन, सेवन नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दे रहे हैं देखो, अ ट्रेन मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर टेक 40 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 100 मीटर, ब्रिज की लेंथ को मैं बोलता हूँ डी वन, ब्रिज की लेंथ है 100 मीटर और ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके और आपको दिया है
फोर्टी सेकेंड टाइम, टाइम कितना दिया आपको 40 सेकेंड। ओके तो आपको क्या बोल रहे हैं, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको बोल रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो वी जो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 5/18 कर दे पता होना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, उसको टाइम लग रहा है 14। तो आप मुझे बताओ ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ट्रेन का टोटल डिस्टेंस लेंगे हम, ब्रिज का डिस्टेंस कितना है 100, और ट्रेन का हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो ब्रिज की लेंथ कितनी है 100, और ट्रेन का जो लेंथ है हम उसको बोलते हैं एक्स, क्योंकि जब ब्रिज 100 मीटर का है तो ट्रेन का भी डिस्टेंस उसमें ऐड होगा, तो ये होगा 100 + x। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना है 14, तो यह आ गया 100 + x इज इक्वल टू, यह आ गया 140। तो x इज इक्वल टू 140 - 100, तो x इक्वल टू आ गया आपका 40 मीटर। कितना आ गया 40 मीटर। तो आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला था, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन को हमने क्या बोला x, और ब्रिज की लेंथ कितनी है 100। तो ऐसा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 100 + x। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड लिया टाइम लिया कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया है आपको, x इज इक्वल टू a + bt² दिया है। x इज इक्वल टू आपको दिया है a + bt², a की वैल्यू 8.5 है, b की वैल्यू 2.5 है, 8.5 b की वैल्यू है 2.5, a और b कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू दिया है आपको a की 8.5 इसकी 2.5, ये मीटर में दिया है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब ये एक्सेलरेशन है ये डिस्टेंस है, राइट। ये दोनों दिया है और आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 2 to 4 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और t इज इक्वल टू 2 से लेके 4 सेकेंड में भी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी तरफ ध्यान देना है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्या किया देखो, x इज इक्वल टू क्या दिया है a + bt², तो इसका क्या कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव। तो dx/dt कितना आएगा, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2bt। तो dx/dt वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी आया 2bt। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी बताओ कितना आएगा, 2 × b × 2, मतलब वेलोसिटी आ गया 4b मीटर पर सेकेंड, और b की वैल्यू कितनी आपकी 2.5, मतलब ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड। इधर का हो गया सबका लिखना, ओके आप ये भी लिख लो, अभी देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी क्या बोला था आपको, टाइम इंटरवल दिया था आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, उसमें आपको कैलकुलेट करना था, ओके अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताओ x इक्वल टू आपको क्या दिया है a + bt², तो हम x ऑफ 4 कैलकुलेट करते हैं, x ऑफ 4 मतलब t की वैल्यू 4, तो a + b t की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, a + b 4 का स्क्वायर कितना 16, ओके अब a की वैल्यू कितनी थी 2.5, राइट 2.5 है, 8.5 है और ये है 2.5 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 8.5, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा आपका 40, मतलब ये आ जाएगा आपका 48.5 मीटर। x ऑफ 4 हमने कैलकुलेट करा, अब हम x ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल 2 से लेके 4 सेकेंड दिया है। तो फिर a + b 2 का स्क्वायर, ये कितना है 8.5, ये 2.5, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 18.5। अब मुझे बताओ आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, और टाइम कितना आएगा बताओ मुझे, टाइम आ जाएगा आपका, टाइम तो दिया है क्वेश्चन में 2 सेकेंड। तो x ऑफ 4 कितना आया आपका 48.5, यह आया आपका 18.5, यह आया आपका 2, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, और यह आया आपका 30/2, मतलब आपका आंसर आया 15 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दो क्वेश्चन करते हैं अभी, फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। 10-10 क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। तो बॉडी का मास m दिया है, एक बॉडी है जिसका मास m और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। हाफ डिस्टेंस उन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर किया इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है। ए से के बी लेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे डी। पहला हाफ डिस्टेंस लिया कितने की स्पीड से, ऐसा ही बोला है ना, लाइन कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है इसको भी 2 इंटरवल में कवर किया, एक 3 के स्पीड से और एक 5 के स्पीड से, राइट। तो फिर ऐसा दिया है तो एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जमना चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन है, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस आपके पास डी रहेगा, टोटल टाइम कैसा कैलकुलेट करने है, यहाँ से टी1 कैलकुलेट करो, यहाँ से टी2 दोनों भी सेम है, यहाँ पे टी1 प्लस 2 ऑफ टी2 ऐसा आ जाएगा। तो एक पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसको देख के सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है ये तो याद करना पड़ेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, कोई भी एक ग्राफ कंसीडर कर लेंगे हम, ऐसा ग्राफ कंसीडर कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। अब बेस क्या लेंगे हम, बेस लेंगे हम टी और हाइट क्या लेंगे हम वी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 वी इंटू टी। तो वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है आपका एरिया। तो मुझे बताओ वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी इन टाइम है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी इंटू टाइम मुझे क्या मिल रहा है एरिया, मतलब एरिया क्या देंगे आपको डिस्प्लेसमेंट। तो आप तो ये ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं, या सीधा सीधा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर नंबर 13 जिसमें हमने आपके एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं। ज़्यादा एमसीक्यू हो नहीं पाए क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं। तो आप लोग सब सुनेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, और वैसा मैंने आपको ऑप्शन बताया है MTG की जो नोट्स है उसमें के एमसीक्यूज में आपके करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हम करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा कैसा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करके दूंगा, आप सिर्फ लेक्चर को फॉलो करो और कमेंट करके बताओ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। तो दिया है आपको अ बॉडी इज मूविंग विथ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू at प्लस bt² माइनस ct³। ऐसा आपको एक इक्वेशन दिया है जहां पर x आपका डिस्प्लेसमेंट है और abc आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो आपको पता है आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ at का डेरिवेटिव a, bt² का डेरिवेटिव 2b, ओके 2bt आएगा और इसका आएगा 3ct². तो dx/dt आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब dv/dt। वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकाले तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2bt का डेरिवेटिव 2b और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6ct, मतलब आपका एक्सेलरेशन आ गया 2b माइनस 6ct, और यही हमारा फाइनल आंसर। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया था और क्या पूछ रहे थे, एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है x = a₀ + a₁t + a₂t²। आपको ऐसी इक्वेशन दी है जहां पर a₀, a₁, a₂ आपके कांस्टेंट है और फिर एक बार आपको एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो पहले, dx/dt क्या होता है आपका, वेलोसिटी। तो a₀ कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a₁ और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2a₂t। अब फिर से वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालेंगे dv/dt जिसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव है 0, 2a₂t, मतलब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2a₂, ओके।
तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। दोनों भी क्वेश्चन सेम ही है, जहाँ पर हमने क्या फाइंड किया, एक्सेलरेशन। तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करते आना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है आपको, द रिलेशन दिया है आपको टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 13, टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ऐसी टाइम की इक्वेशन दी है आपको, ए और बी आपके कॉन्स्टेंट है, और फिर से आपको क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो अभी देखो, हमें डी टी बाई डी एक्स करना है, सॉरी टाइम, हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के साथ हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, टाइम के साथ डेरिवेटिव निकाला। तो टी का डेरिवेटिव टाइम के साथ डी टी बाई डी टी आ जाएगा। इसको डी बाई डी टी देंगे हम एक्स स्क्वेयर को, इसको भी डी बाई डी टी देंगे किसको, बी एक्स को। तो डी टी डी टी कैंसिल हो गया वन, क्योंकि टाइम का डेरिवेटिव टाइम के साथ निकालेंगे तो वन आएगा। यहाँ पर टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी कर रहे हैं आप किसका, यहाँ पे एक्स का, तो टू ए एक्स। अभी देखो आप टाइम के साथ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं लेकिन एक्स का। जब हमने टाइम के साथ डेरिवेटिव निकाला तो फंक्शन हमारा टाइम ही था, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन टाइम है क्या, नहीं, फंक्शन हमारा एक्स है। तो एक्स का फिर से डेरिवेटिव हमें निकालना होता है, जिसको मैं बोलूँगा डी एक्स बाय डी टी। सिमिलरली यहाँ पे बी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बी, और एक्स का अगेन डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी टी। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी वन इज इक्वल टू टू ए एक्स, डी एक्स बाय डी टी आपका वेलोसिटी होता है, प्लस बी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है आपका, वेलोसिटी। तो यहाँ से फिर कैसा आएगा, वन इज इक्वल टू वेलोसिटी कॉमन निकलेगा, टू ए एक्स प्लस बी, तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा वन अपाउंड टू ए एक्स प्लस बी। तो आपका वेलोसिटी आ गया। टाइम की इक्वेशन से हमने क्या कैलकुलेट किया, वेलोसिटी। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा, क्योंकि डी वी बाई डी टी आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब ये 1 बाई एक्स अगर कंसिडर करेंगे तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वेयर। तो एक हमने इसको कंसिडर किया, तो इसका फिर से हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा डी बाई डी टी किसका, इस ब्रैकेट का, टू ए एक्स प्लस बी का। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 1 टू ए एक्स प्लस बी इसका स्क्वेयर। 2ax का डेरिवेटिव, b का डेरिवेटिव तो जीरो होने वाला है, 2ax का डेरिवेटिव 2a होने वाला है, लेकिन अगेन हम टाइम के साथ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन x है, तो x का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा dx by dt। तो फिर अब देखिए फाइनल आंसर कैसा रहेगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a इंटू 1 2a। अब ये जो a है ये हमारा कॉन्स्टेंट वाला a है, और ये है हमारा एक्सेलरेशन, दोनों में फर्क है। नीचे क्या है आपका 2ax प्लस बी इसका क्या है, स्क्वायर। अब dx बाई डी टी हमारे पास क्या है बताओ मुझे, dx बाई डी टी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अभी देखो कैसा किया उन्होंने, माइनस ऑफ 2a वैसे ही रखा, इंटू 1 अपॉन 2ax प्लस बी स्क्वायर। देखो कहाँ पर है, 1 अपॉन 2ax प्लस बी, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन 2ax प्लस बी उसका क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो फिर हम उसको v का क्या लिखेंगे, स्क्वायर इंटू आपका v। तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a, v का क्या आ गया, क्यूब। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये उसी बच्चों को समझ में आने वाले हैं जिनका डेरिवेटिव कंसेप्ट पक्का है। तो यहाँ पर मैथ आपके लिए ज़रूरी है, तो मैथ आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल टी मेक्स 45 डिग्री विथ टाइम एक्सिस, आफ्टर 2 सेकेंड इट मेक्स 60 डिग्री विथ टाइम एक्सिस, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसे दो ग्राफ दिया आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट वाला टाइम एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, सेकेंड वाला 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन, ये हो गया हमारा फाइनल कंडीशन। तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या रहता है यहाँ पे, स्लोप आपका आ जाएगा यहाँ पे टैन 45, और वेलोसिटी को हम यू बोलेंगे। तो टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 1 मीटर पर सेकेंड आ गया इस केस में।
अब इस केस में फिर से स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी मिलेगा। तो स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, टेन सिक्सटी, और वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है हमारी, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है हमारी रूट थ्री। तो फाइनल वेलोसिटी रूट थ्री आ गया, इनिशियल वेलोसिटी वन आ गया, और टाइम आपका 2 सेकेंड दिया है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी कितना, रूट थ्री, यू वन और टू, तो एक्सेलरेशन कितना आया आपका, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये चीज़ें आपको थेरी पता होनी चाहिए, तब समझ में आने वाली है स्लोप क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। जैसा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया था हमारा, वो क्या आ गया था, डिस्प्लेसमेंट आया था। तो इसमें आपको ग्राफ पता होने चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। पूरे 20 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, हमारा एक लेक्चर जो है जिसमें हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके तो लेक्चर्स तो देखिए बच्चों, क्योंकि फिजिक्स के अंदर सब कॉन्सेप्ट तो सब आपको बताने वाले हैं, मैं भी बता ही रहा हूँ, बट सब बताने के बावजूद भी आपको फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको आदत लगने के लिए, इतना सॉल्व कर दिया और आप फिजिक्स क्रैक कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। आपको भी बहुत सारे एमसीक्यूज की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, दिल से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है हमारा, सॉरी 15 आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है हमारा। 15 क्या दिया, देखो ए इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर दिया है, फिर से अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन आपको दी है। और आपको क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा आपका कांस्टेंट है, तो पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो में एक्स नॉट और वी नॉट है। तो पार्टिकल की जो पोजिशन है टी इज इक्वल टू जीरो टाइम में एक्स नॉट और वी नॉट है, मतलब ये क्या आपकी पार्टिकल की पोजिशन और ये क्या आपकी वेलोसिटी, जीरो टाइम में ये पोजिशन है, ये वेलोसिटी है। तो आपको एक्सप्रेशन फॉर पोजिशन ऑफ पार्टिकल टी टाइम में बोल रहे हैं, आपको टी टाइम में पोजिशन बोल रहे हैं, मतलब टी टाइम में पोजिशन को हम एक्स बोलेंगे। तो टी टाइम में हमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो देखो कैसा करेंगे, देखते हैं, देखो कैसा किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देखो ए इज इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब ए मतलब एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो यहाँ से डी वी आ जाएगा आपका अल्फा टी प्लस बीटा टी, ये डी टी ऊपर आ गया। ओके अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी प्लस बीटा टी इंटू डी टी। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी कैसा चेंज होगा, यहाँ से वेलोसिटी हमारा चेंज होगा वी नॉट से लेके वी, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या था, वी नॉट था जब हमारा टाइम जीरो था। अब जब हमारा टाइम टी रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा, वी। जैसा कि टी नॉट टाइम में हमारा वेलोसिटी वी नॉट है और टी टाइम में हमारा वेलोसिटी क्या है, वी है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल में आता है, आपको अभी इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, लेकिन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको ये चीज़ें डिफिकल्टी जाने वाली है, ठीक है। तो फिर अभी वन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स होता है, तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वी है तो इसका डेरिवेटिव वी आएगा। ओके तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे वी नॉट से लेके वी। सिमिलरली अल्फा टी का डेरिवेटिव आएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इसका पावर वन है, एक पावर ऐड करना है। सिमिलरली बीटा, इसका पावर भी वन है, यहाँ पे टू है, बीटा टी स्क्वायर है, राइट। तो इसका पावर हो जाएगा 3/3, एक पावर आपको ऐड करना है। और इंटीग्रेशन निकलने के बाद यहाँ पे लिमिट लेना है टी नॉट से लेके टी, राइट। तो फिर मुझे बताओ अभी यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे अपर लिमिट आएगा वी, बाद में माइनस आएगा लोअर लिमिट, और टी नॉट की वैल्यू जीरो ही है, जीरो पुट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे। तो टी की जगह पे टी किया तो फिर ये इक्वेशन हमें मिलने वाली है अल्फा टी स्क्वायर बाय टू प्लस बीटा क्यूब, बीटा टी क्यूब बाय थ्री, यहाँ पे टी रह गया था। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वी को लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, इधर आके क्या हो गया आपका प्लस वी नॉट, आगे बचा आपका अल्फा टी स्क्वायर बाई टू प्लस बीटा टी क्यूब बाय थ्री। तो जैसा हम एक्सेलरेशन से हम कहाँ तक पहुँचे, वेलोसिटी तक, अब वेलोसिटी तक हमें x तक पहुँचना है, क्योंकि हमें x कैलकुलेट करना है। तो सबको पता है वेलोसिटी यानी क्या होता है, dx बाई dt होता है,
तो आगे दिया है वी नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय टू प्लस बीटा ट्यूब क्यूब बाय थ्री। तो यहाँ से dx को लिख लेंगे, ये ब्रैकेट में आ जाएगा वी नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय टू प्लस बीटा टी क्यूब बाय थ्री, और ये dt किधर आ गया ऊपर। फिर से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dx को। अब dx को इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल पोजिशन x नॉट है, फाइनल पोजिशन x है। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वी नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय टू प्लस बीटा टी क्यूब बाय थ्री। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टी नॉट से लेके टी। अब वन एक्स यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है वन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट से लेके एक्स, और यहाँ पे वी नॉट। अब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन उसको मल्टीप्लाई होता है, फंक्शन टी है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वी नॉट टी प्लस यहाँ पे। अब फिर से एक पावर बढ़ाना है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा टी क्यूब बाय थ्री, और ये टू मिला के यहाँ पे सिक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बी टी फोर बाय फोर, और ये थ्री मिला के यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएगा। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे अपर लिमिट है एक्स, लोअर लिमिट है एक्स नॉट। तो इसको मैं लिखूंगा वी नॉट टी प्लस अल्फा टी क्यूब बाय सिक्स प्लस बीटा टी रेस्ट फोर बाय ट्वेल्व। तो हमको पूछा था एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स नॉट इधर आके प्लस, फिर यहाँ पे वी नॉट टी प्लस अल्फा टी क्यूब बाय सिक्स प्लस बीटा टी रेस्ट टू फोर बाय ट्वेल्व। तो बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन था, इतना आपको डिफिकल्ट आएगा नहीं, लेकिन आया तो फिर आपको सॉल्व भी करना है, तो इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। ओके फाइनल आंसर तो यही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा हमारा बताओ फिर, 16। अभी थोड़े क्वेश्चन बाकी है तो अच्छे से ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको x इक्वल टू एटी स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब, x इक्वल टू आपको दिया है एटी स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। तो यहां से क्या बोल रहे हैं अभी, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट टाइम t इज इक्वल टू। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे dx by dt, जिसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2at, इसका आ जाएगा 3b t square। अभी आ गया वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2a, इसका आ जाएगा 6b t। तो एक्सेलरेशन आया 2a minus 6b t। ये मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो दिया है क्वेश्चन में, अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेंगे तो टाइम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 2a minus 6b t, minus 6b t इधर आके हो गया प्लस इज इक्वल टू 2a। हमें टाइम फाइंड करना है 2a, ये 6b नीचे आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम कितना आया a अपॉन 3b। मतलब टाइम a अपॉन 3b अगर मतलब टाइम a अपॉन 3b है जब एक्सेलरेशन कितना है आपका जीरो है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लिखा सबने, बोर हो रहे हैं सब लोग, देखो बच्चों आप बोर हो रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मान लो फिर आप गलत ट्रैक के ऊपर है। आपको जो चीज़ में मज़ा आ रही है आपको वही चीज़ करनी चाहिए, तो अब इसका मतलब ये नहीं आपको मज़ा नहीं आ रही तो आप ये सारा एजुकेशन छोड़ दो। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को मज़ा नहीं आता है, तो मज़ा आने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, मज़ा तो हमको बाद में आएगा जब हम सक्सेस पाएंगे। तो सक्सेस पाने के लिए हम खुद को, हमको डिवोशन करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो खुद का इंटरेस्ट खुद क्रिएट करो, और जेन्युइनली यहाँ पे आपको अच्छे से काम करना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं किसी के लिए नहीं कर रहे, इसका सब फायदा आपको होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, क्या बोर होना नहीं है, पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। अब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो सेकेंड नंबर का ऑप्शन सही है यहाँ पे। ओके, पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ऐसा इक्वेशन आपको दिया है, ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी दिया आपको। ओके, और प्लस क्या दिया आपको, सी। तो ए बी सी आपके कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछ रहे हैं आपको, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो ध्यान देना है, अभी देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम निकालेंगे
2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकालेंगे 2x, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा dx एक्स बाई डी टी, यहाँ पे ए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2at, 2bt का डेरिवेटिव 2b और c का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से 2x dx एक्स बाई डी टी आपका क्या होता है वेलोसिटी होता है, यहाँ पे आ गया 2at प्लस 2b, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से अगर सबको डिवाइड किया तो xv इज इक्वल टू at प्लस b, तो आपका आ गया xv इज इक्वल टू at प्लस b, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, फिर से डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो xv प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल में कैसा डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर at का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से कैसा आएगा देखो, अभी x dv by dt प्लस v और dx by dt भी क्या होता है v होता है इज इक्वल टू a। तो x dv by dt v इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू a, x dv by dt a प्लस v स्क्वायर उधर आके हो गया माइनस, तो dv by dt इज इक्वल टू a माइनस v स्क्वायर, ये x आ गया आपका नीचे। तो dv by dt कितना आया आपका, तो सबको पता है dv by dt क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आया a माइनस वी स्क्वायर अपॉन x। लेकिन आपको ऐसा आंसर नहीं रखा है उन्होंने, ऑप्शन में उन्होंने आगे लेके गए क्वेश्चन को, तो हमें इसको आगे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे देखो, उन्होंने क्या किया देखो, xv जो टर्म आई है हमारी, यहाँ पे लिख रहा हूँ xv इज इक्वल टू at प्लस b, यहाँ से v इज इक्वल टू at प्लस b, ये x नीचे आएगा तो v का इक्वेशन आ जाएंगे at प्लस b बाय x, at प्लस b बाय x। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a माइनस वी का टर्म क्या आ गया at प्लस b बाय x, और v का स्क्वायर है और नीचे यहाँ पे क्या है x, ठीक है ओके। अब कैसा करेंगे, a माइनस at प्लस b इसका भी स्क्वायर करेंगे और ये x का भी क्या करेंगे स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा x। अच्छे से ध्यान देना है, अभी लास्ट के क्वेश्चन है तो थोड़े टफ क्वेश्चन रहेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट वैसा ही रहेगा ओके at प्लस बी, और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, और ये नीचे का एक x है, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में चल जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे x का क्या आ जाएगा क्यूब। तब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर समझता हूँ तो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो सबको पता है राइट। तो वैसा भी कर सकते हैं, या फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 2ab मतलब 2at b प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ओके, और नीचे क्या है आपका एक्स क्यूब। तो फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया 2ab t और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, नीचे एक्स क्यूब, ठीक है। अभी कैसे होगा फाइनल आंसर, उन्होंने रखा है ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। वैसे तो आगे इसको बहुत सारा हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर ऐसा रखा है उन्होंने ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, देखता हूँ मैं कैसे रखा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर हमारा है हाँ ऐसा किया उन्होंने, तो आ जाएगा हमारा, कोई टेंशन नहीं है, आगे सॉल्व करने का है तो कर सकते हैं। ए एक्स की वैल्यू भी उन्होंने रख दी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, और आगे क्या क्या है हमारे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab t माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब। तो अभी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे ए इंटू 2bt 2ab t प्लस ए इंटू सी ए सी, आगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab t माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब। अभी देखो बहुत ही बड़ा हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया,
तो आ गया आपका एसी माइनस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब, तो यही आंसर उन्होंने रखा है। तो ठीक है, वो कैसा भी आंसर रख सकते हैं, आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, अभी थोड़ा ही बचा है, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 18 था, दो ही क्वेश्चन लूंगा अभी, थोड़ा देर ध्यान देना है, मतलब 20 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये लिख लिया सबने? ओके, तो आप देखो आज कुछ लेंदी लेक्चर हो गया हमारा, बट जैसे कि आपको पता है एमसीक्यूज अगर लेना है तो फिर लेक्चर तो लेंदी होने वाले हैं, तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लेक्चर स्टॉप करके कहीं जाके आके भी आ सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, हमारा लेक्चर ऑनलाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, दो ही क्वेश्चन लेने वाला हो, अभी अच्छे से ध्यान दो। दिया है आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + t² अभी जैसा क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा दिया है आपको, और फिर एक बार आपको एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, एज इट इज सॉल्व करते जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, x का डेरिवेटिव फिर से dx/dt, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका आ जाएगा 2t, सो 2x, dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, यहाँ पे 2t, 2 क्या हो गया कैंसल, तो एक्स भी इक्वल टू आ गया आपका t। फिर प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके, सो एक्स dv/dt, ये क्या होता है v होता है, यहाँ पर भी v है, सो एक्स dv/, यहाँ पर t है, तो यहाँ पे dv/dt ये हो गया v का स्क्वायर t, एज इट इज पिछला क्वेश्चन है इसलिए फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स dv/dt, ये t प्लस v स्क्वायर उधर जाके हो गया माइनस, सो dv/dt, एक्सेलरेशन चाहिए ना, t माइनस v स्क्वायर, एक्स को नीचे ला लो, dv/dt क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। अब देखो t माइनस v की वैल्यू बनानी है, तो कहाँ है, यहाँ पर है, v की वैल्यू क्या बन जाएंगी t/x, क्या बन जाएंगी t/x, तो यहाँ पे t/x, तो v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे x, इसके नीचे 1, तो आपका आ जाएगा x²t - t², x² × 1 x² और ये x मिला के x³। तो उन्होंने फाइनल आंसर जो रखा है वो 1/x³ रखा है, तो देखते हैं एक्सेलरेशन, x² बताओ क्या है x² 1 + t², तो x² की जगह पे क्या आ जाएगा 1 + t², ओके, इंटू क्या है t - t² अपॉन x³, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, t × 1 t² × t t³ - t² अपॉन x³, बट उन्होंने डायरेक्टली ले लिया है एक्सेलरेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है 1/x³, तो इतना ही दिया था उन्होंने, बाकी इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक ही चीज़ है, यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पक्का है उसको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान जा जाएंगे। तो ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट MCQs, पर लेक्चर 20 MCQs का हम सोचने वाले हैं। तो दिया है आपको a इज इक्वल टू, दिया आपको 60 + 5, एक्सेलरेशन दिया है आपको 60 + 5 60, हाँ मीटर पर सेकेंड, से स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यस पूछ रहे हैं, और टाइम की वैल्यू दी है 2 सेकेंड, तो बहुत ही आसान है, ए मतलब क्या होता है dv/dt इज इक्वल टू 60 + 5, सो dv आ जाएगा आपका 60 + 5, यहाँ पे आ जाएगा dt, इंटीग्रेट कर लो, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगा v, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 60² / 2 प्लस इसका 5 का आ जाएगा 5t, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² + 5t, अगेन इसको मैं लिखूंगा ds/dt, देन ये 3t² + 5t, तो फिर ds इज इक्वल टू आ जाएगा 3t² + 5t, ये dt ऊपर आ गया, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन ds, यहाँ पर इंटीग्रेशन 3t² + 5t dt, ds का इंटीग्रेशन, यस वही तो कैलकुलेट करना है, इसका इंटीग्रेशन 3t³/3, 5t² / 2, 3 कैंसल t³, और ये 5/2 t², t की वैल्यू कितनी दी है 2 सेकेंड, ओके, तो हो गया s इज इक्वल टू 2³ + 5/2 × 2² 2³ 8 + 5/2 × 2² 4, s इज इक्वल टू 8, ये बेदुने 4 और ये 2 आ गया, ये 10 आ गया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने,
18 मीटर। तो बच्चों वैसे तो एक दो क्वेश्चन और बाकी है, लेकिन हम 20-20 क्वेश्चन को लेके चलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक तो आप वो लिखो, नहीं तो फिर इसमें भी आपको क्वेश्चन क्या है वो समझ आ ही रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर भी आपको अगर लग रहा है क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए, तो मैंने आपको बताया है जो MTeaching की नोट्स है उसमें से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। बस एक बात ध्यान में रखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने अभी लिया नहीं, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में लेने वाला हूँ। MTeaching का सेकंड क्वेश्चन से मैंने पढ़ाना चालू किया, तो उनका जो सेकंड है अपना वो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूज होना नहीं है। तो आई होप आपको सबके 20 के 20 MCQs अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पूरे पीछे के जो लेक्चर है ये आपको देखना है और बताना है मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है। तो चलिए फिर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।